स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल करियर फोबिया में। कंटिन्यूअसली आपको अपडेट्स दे रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो भी हमारा यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग से ही रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है या कॉलेज मिलने में गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी तरह का कॉलेज लेने में दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस अपडेट में। जो अभी तक पांचवी राउंड तक की काउंसलिंग हुई है जिसमें रिजल्ट्स आए हैं और बच्चों को अलॉटमेंट हुई है, और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुई, जिन भी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं हुई है उनके लिए और भी आगे के ऑप्शंस दिए गए हैं। छठी सातवीं और आठवीं नवीं राउंड तक के काउंसलिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्या कुछ है, अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि सर जो दो लिंक दे रखा है, जो डिस्क्वालीफाइड बच्चे हैं जिनके लेटर में या रिजल्ट कार्ड में लिखा हुआ था नॉट क्वालिफाइड, फेल लिखा हुआ था, नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ था, इस तरह के जो भी इश्यूज आए हैं, तो ये जो डायरेक्ट एडमिशन है इसका क्या मतलब है। तो डायरेक्ट जो एडमिशन वाला लिंक आया है तो उसमें क्या जो बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है या जिन जो बच्चे डिस्क्वालीफाइड थे उनको डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है उनको गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी हालत में अलॉट नहीं किया जाएगा। ये जीकप के बिजनेस रूल में जो काउंसलिंग का एक रूल आता है उसमें प्रॉपर मेंशन है। मैं वो पीडीएफ भी ड्रॉप में आपको दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, वो लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन के बाद हमें फायदे क्या है। अगर हमें प्राइवेट में ही लेना है तो हम जाकर डायरेक्ट क्यों ना ले लें, प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट अप्रोच करके हम क्यों एडमिशन ना ले लें। तो वहां पर देखिए एक फायदा आपको, एक नहीं और कई सारे आपको फायदे मिल जाएंगे। जैसे अगर स्कॉलरशिप का कोई केस आता है तो स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करते हो तो अगर आप काउंसलिंग के थ्रू या काउंसलिंग पैनल के थ्रू अलॉटमेंट लेते हो, काउंसलिंग के थ्रू लेते हो, तो आपके बोर्ड में आपका भी एक बोल सकते हैं कि हिंट जाता है या वहां पर एक मैसेज जाता है कि हाँ ये बच्चा भी आपका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन में है, काउंसलिंग में। तो जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप एज एन स्कॉलरशिप में आपको काफी सारी हेल्प मिल जाती है और आप कहीं ना कहीं नजर में रहते हो, स्कॉलरशिप में आपको प्रायोरिटी मिल जाती है। और दूसरे नंबर पर बताऊंगा आपको कि जो अगर आप ऑफिशियली इसके काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो एडेड कॉलेज भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर कहीं पर सीट वैकेंट होती है तो आपको एडेड कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। तो इस कंडीशन पर आपको वहां पर अगर वैकेंसी है या सीट अवेलेबल है तो आपको एडेड कॉलेज में सीट बिल्कुल मिल जाएगी, आप उस पर चांसेस हैं। तो बिल्कुल आप लिंक के थ्रू ट्राई करें या ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाकर अलॉटमेंट लें, आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की सुविधा मिलेगी और एडेड जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो अभी जो जिन बच्चों को नहीं आई है या जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके लिए क्या है, वो आगे की स्पॉट राउंड बोले तो ये ऑनलाइन स्पॉट राउंड इस बार कंडक्ट हो रहा है। पहले क्या होता था कि एक ऑफलाइन स्पॉट राउंड होता था, कॉलेज जाकर के सीधे आपको अप्लाई करना होता था और जितनी भी कॉलेज की वैकेंट सीट होती थी उनमें बच्चे अप्लाई करते थे। यहाँ पर अभी सिनेरियो चेंज हो गया है क्योंकि कोविड की वजह से कॉलेज इस बार ऑफलाइन स्पॉट राउंड नहीं करा रहे। यहाँ पर सिंबल आपको जिस भी कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, जिस कॉलेज का आपको ट्राई करना है, उस कॉलेज का नाम भर करके उस कॉलेज को एज एन अपने ऑप्शन के तौर पर चुन करके आप आगे काउंसलिंग करा सकते हो और जो भी लिस्ट या रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ऑनलाइन आप वेबसाइट पर चेक कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर पूरी अपडेट। अगर कुछ भी रिमेनिंग है और कुछ आप पूछना चाहते हो स्पेशली तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, यहाँ पर एक्सपर्ट काउंसलर्स आपसे बात करेंगे, आपकी जो भी डाउट्स या क्वेरीज हैं उनको प्रॉपर सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ये इंपॉर्टेंट, ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं प्रॉपर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। और अगली वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आगे कौन सी वीडियोस चाहिए या क्या क्या टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।